नमस्कार, रूबीज पंजाबी किचन में आज आपका फिर से एक बार स्वागत है। मुझे उम्मीद है आपके त्यौहार बहुत बढ़िया मन रहे होंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कैसे मना रहे हो त्यौहार और आपको करवा चौथ के गिफ्ट क्या क्या मिले हैं, मेरी बहनों को ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये मज़ेदार चटपटा मसाला आज मैं तैयार कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं एक बहुत बढ़िया ऑथेंटिक अपने घर का पंजाबी टेस्ट वाली रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। ये मैंने अभी मसाला किया है और आपसे निवेदन है कि आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं ये रेसिपी बनाने की तरफ। ये फ़िलहाल मैंने कैसे बनाया है और इसमें मैं क्या डालने वाली हूँ वो आपको आगे वीडियो में पता लगेगा, तो मेरे साथ बने रहिए चैनल पे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो ये सुपर टेस्टी पंजाबी छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज, जो कि मैंने ऐसे रफली चॉप कर लिए हैं। 1 हरी मिर्च ले ली है जो कि थोड़ी लाल भी हो चुकी है, और 1 बंच मैंने लहसुन का काट लिया है, छील लिया है। लहसुन जो है ये मैंने देसी लहसुन लिया है, जो छोटे वाले लहसुन आते हैं, और तकरीबन 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने ले लिया है। इन सबको मैं मिक्सी में डाल के थोड़ा सा दरदरा पीस लूँगी। इस सबका मसाला जो बनाना है वो पेस्ट नहीं बनाना, तो मैं इसको अभी पीस के लाती हूँ। तो मैंने ये मसाला देखिए ऐसे दरदरा पीस लिया है, ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना। और ऐसे ही मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे उनको भी मैंने मिक्सी में चला लिया है, लेकिन देखिए इनको भी मैंने बिल्कुल ज़्यादा नहीं पीसा, ऐसे दरदरा ही पीसा है। आप चाहें मिक्सी में ना चलाएं, काट के भी डाल सकते हैं या इनका पेस्ट भी अच्छे से बना के डाल सकते हैं। मैंने इनको दरदरा किया है क्योंकि मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं। तो इधर मैंने कढ़ाई में ये 2 बड़े चम्मच तेल के गर्म होने रख दिए। अब मैं तेल गर्म हो गया तो मैं अब इसमें डाल रही हूँ हींग 1 चुटकी, तकरीबन आधी छोटी चम्मच ज़ीरा। तो मैंने ये मसाला डाल दिया है ऑयल में और हम इसको ब्राउन होने तक या ये कच्चापन इसका ख़त्म होने तक भून लेंगे। गैस मैंने बिल्कुल मीडियम से भी थोड़ी कम कर दी है और मैं इसे ऐसे बीच बीच में चला के अच्छे से फ्राई कर लूँगी। मैंने इस मसाले में 1 मोटी इलायची यानी कि ब्लैक कार्डिमन, जो काली वाली बड़ी इलायची होती है, 2-3 छोटे छोटे तेज पत्ता और 2 लौंग ये भी डाल दी थी, लेकिन मेरा वीडियो क्योंकि ऑफ हो गया था तो उसमें वो आ नहीं सका। तो ये सब डाल के देखिए मैं ऐसे बीच बीच में चला के भून रही हूँ। तो ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब मैं इस स्टेज पे ये जो मैंने टमाटर दरदरे करके रखे हैं इनको डाल दूँगी। और गैस का जो फ्लेम है वो मैंने बिल्कुल मीडियम किया हुआ है, और इसके साथ ही मैंने यहाँ सूखे मसाले ले लिए हैं 1 बड़ा चम्मच, थोड़ा सा बड़ा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने सूखा पिसा हुआ धनिया लिया है, 1 चम्मच नमक, जब मैं छोले उबाल रही थी उसमें भी मैंने आधा चम्मच नमक डाला था। तो नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी का लिया है, आधा छोटा चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, और तकरीबन 1 छोटा चम्मच कश्मीरी देगी मिर्च ली है। इससे रंग अच्छा आता है, इससे तीखा नहीं बनता। लेकिन तो आप ये मसाले जो हैं अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये भी मैं इसी में डाल दूँगी क्योंकि मसाले और टमाटर जब मिक्स होकर पकते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जब भी ध्यान रखें, जब भी आप ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाएं तो कोशिश करें कि जब आप टमाटर डालें उसी समय आप नमक डालें। ये मेरा एक टिप है, इससे आपकी सब्ज़ी का जो टेस्ट है और जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसके साथ मैं तकरीबन 1 कड़छी पानी डाल रही हूँ ताकि जो हमारा मसाला है वो बहुत अच्छे से पक जाए और जले ना। अब मैं इसे बिल्कुल लो गैस पे 3-4 मिनट के लिए पका लूँगी। देखिए मसाले का रंग कितना अच्छा है, किचन में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं इसे ढक के 3-4 मिनट पका लूँगी। तो इधर जो मैंने मसाला बनाया है वो ये मैंने चने उबाले हैं, काले चने, सबने ये देखे होंगे अपने घर में, आपने बनाए होंगे कई बार। तो ये चने मैंने 1 कटोरी लिए, तकरीबन 150 ग्राम काले चने हैं ये। इनको मैंने 5-6 घंटे के लिए थोड़ा सा नमक डाल के भिगो दिया था, और उसके बाद 4-5 सीटियाँ मैंने
इनको मीडियम गैस पे लगवाई हैं, उसके बाद मीडियम से भी लो कर दी और 3-4 मिनट के लिए मैंने इसे पका लिया, मतलब तकरीबन एक और सीटी आने तक। उसके बाद देखिए कितने बढ़िया गल गए हैं। इनको मैंने इस तरह से उबाला है। कई बार चनों की क्वालिटी और कुकर आपका कितना बड़ा है कितना छोटा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, तो बस ऐसे चने उबाल लीजिए। अब इनको सुपर गाढ़ा गाढ़ी जो मैंने किया, आपने देखी अभी वीडियो में कि मैंने जो तरी है इसका जो ग्रेवी है वो काफ़ी गाढ़ी है, तो देखिए मैंने कैसे बनाई है। तो एक तो तरीका ये है कि जैसे आप तकरीबन एक दो कड़छी इसको मिक्सी में डालें और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लें, इसका बिल्कुल पेस्ट बना लें, लेकिन हम ये लंबा काम नहीं करना चाहते। तो ये ऐसे जैसे पोटैटो मैशर है या रोटी फुलाने का ये होता है, आपके घर में होगा, इससे बीच बीच में हम इसको ऐसे पीस लेंगे, थोड़े थोड़े चने, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े चनों को हम ऐसे करके पीस लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी जो तरी है वो बहुत गाढ़ी बनेगी, तो कम मसाले में भी ये आपको सुपर डुपर टेस्ट आ जाएगा। तो ऐसे मैं बस देखिए मैंने ज़्यादा नहीं ना किया, अब ये देखिए आ गई थोड़ी सी ग्रेवी ऐसे आ गई, तो जब हम इसे बनाएंगे तो ये और बढ़िया हो जाएंगे। अब मैं ये जो चने हैं ये ऐसे छानूंगी और इनको, क्योंकि मेरा मसाला उधर हो चुका है तो ये मैं मसाले में डाल दूंगी, क्योंकि हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इस मसाले में हम पहले ये छोले डाल देंगे सूखे, अभी इसमें हम तरी नहीं डालेंगे, अभी पहले हम 1-8 मिनट इनको मसाले में ही चनों को इनके साथ ही भूनेंगे। और मैंने गैस को बिल्कुल लो किया हुआ है, मीडियम से भी लो, और इनको मैं बस 1-8 मिनट इनको ऐसे मसाले में भून लूँगी। तो देखिए चने को ऐसे भूनते हुए मसाले में बिल्कुल सूखे ही तकरीबन 1-1.5 मिनट हो गया है। अब मैं इन चनों को वापस कुकर में ही उसी ग्रेवी में पलट दूँगी। तो देखिए मैंने सारे चने जो हैं इसी ग्रेवी में वापस शिफ्ट कर लिए हैं, और देखिए अभी मैंने इनमें उबाला भी नहीं दिया, अभी सिर्फ मैंने मिक्स किया, और देखिए तरी क्योंकि कितनी गाढ़ी है, और क्योंकि मैंने मसालों को थोड़ा सा पीस लिया था ऐसे। आपके पास मैशर अगर आप नहीं कोई अवेलेबल तो आप कड़छी से भी ऐसे कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में से, क्योंकि जैसे हम दाल बनाते हैं तो थोड़ा सा चला देते हैं तो थोड़ी सी वो जो तरी है वो ग्रेवी जो है वो बढ़िया ऐसे संगनी सी हो जाती है, मेरी भाषा में तो इसे ऐसे ही बोलते हैं, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे इस तरह से देखिए गाढ़ापन आ जाता है तरी में। अब मैं इसको कुकर को बंद करूँगी और तकरीबन 5-7 मिनट मैं इसे बिल्कुल लो गैस पे पका लूँगी। सीटी आए ना आए उसकी कोई बात नहीं है, जलेंगे नहीं ये, क्योंकि मैं मीडियम से भी बहुत कम रखूँगी, लेकिन ये जो चने और जो मैंने ग्रेवी मिलाई है ये बहुत अच्छे से एक दूसरे में रल मिल जाएंगे, रच जाएंगे एक दूसरे में। तो मैं इसको कुकर को बंद कर देती हूँ और गैस पर रख देती हूँ। तो हम ये कुकर अब बंद करेंगे और 5-7 मिनट के लिए इसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पका लूँगी। तो तैयार हैं ये पंजाबी टेस्ट वाले चटपटे काले चने, ये देखिए कितने बढ़िया बने हैं। अब मैं इनको गार्निश करूँगी हरे धनिए से। मैंने जो इनकी तरी है वो देखिए ऐसे रखी है, देख रहे होंगे आप लोग, अगर आपको इससे ज़्यादा तरी चाहिए तो जब आप कुकर में से सीटी एक बार और लगवाएंगे तो उसमें गर्म पानी डालिएगा, ठंडा पानी नहीं डालिए, वरना मसाले का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। तो जब भी आप किसी ग्रेवी वाली सब्ज़ी में ग्रेवी को बढ़ाना चाहें तो उसमें गर्म पानी ही करके डालिए। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो और मेरा ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी, और आप ये छोले कब बना रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए कि आपने इसे फिर रोटी के साथ खाएंगे या चावल के साथ खाएंगे, मैं तो भाई इसे चावलों के साथ खाने वाली हूँ, तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आप कैसे इसे इंजॉय करेंगे। तो आप इन छोलों को, इस रेसिपी को इंजॉय कीजिए, और मैं तब तक जाती हूँ आपके लिए एक और नई रेसिपी लेने के लिए। तो मिलती हूँ बहुत जल्दी। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।